नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने की मांग की है। साथ ही यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की समय सीमा तय करने की मांग भी की है। इसके अलावा सीबीआई से हर 15 दिन में रिपोर्ट लेने की मांग की गई है। साथ ही योगी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा दे दी गई है। गांव और घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। पीड़िता के घर के हर सदस्य को निजी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। योगी सरकार ने शीर्ष न्यायालय को यह भी बताया है कि 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। सुमित, यह हलफनामा दाखिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से, जिसमें सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी गई है, कैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि डेडलाइन तय कर दी जाए जाँच की, सीबीआई से रिपोर्ट ली जाए, और क्या क्या बातें हैं इसमें अहम? जी देखिए मीमांसा, पिछले हफ्ते सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। और उसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज यूपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि 3 लेयर की सुरक्षा पीड़ित परिवार को दी गई है, 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, और सबसे अहम बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी खुद करे। सीबीआई जांच कर रही है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करे। 15 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सीबीआई से मांग कर सुप्रीम कोर्ट देखे कि जांच को लेकर क्या कुछ प्रगति हो रही है इस पूरे केस में। तो निश्चित तौर पर हलफनामा सरकार की ओर से दाखिल कर दिया गया है और कल इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबसे अहम बात है कि विक्टिम फैमिली की ओर से भी हलफनामा जो है वो दाखिल किया जाएगा, आज ही दाखिल किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम फैमिली से भी हलफनामा देने को कहा था। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं, ये कल तय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर सरकार से हलफनामा देने को कहा था। पहला जो बिंदु था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ दी जा रही है, दूसरा कि पीड़ित परिवार ने वकील ठीक किया है या नहीं, और तीसरा ये कि हाईकोर्ट में केस को लेकर क्या कुछ स्टेटस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के जरिए सरकार को बताने को कहा था। तो सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है, और हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसकी भी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तो कल इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि क्या सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या नहीं। जी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस सरकार से ये सवाल पूछा था कि डीएम को क्यों नहीं हटाया गया, इसको लेकर सवाल जवाब हुए थे। जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये बात वहां पर भी ये उठाई जा सकती है कि किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, या ये कल तय होगा जब सीबीआई की ओर, जब माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया जाएगा कि वो मॉनिटर करने के लिए इस जाँच को तैयार है या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जानकारी जो है वो सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में क्या कुछ स्टेटस है केस का, इसको लेकर भी जानकारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी और कहा था कि आप हलफनामे के जरिए ये जानकारी दें। तो तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दे दी गई है। और सबसे अहम बात है कि जिस तरह से तल्ख टिप्पणी और फटकार एक तरह से हाईकोर्ट ने लगाई है सरकार को, और ये भी कहा है कि जिस तरह से SP को हटाया गया तो DM को क्यों नहीं हटाया गया, ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देना होगा हाईकोर्ट में। लेकिन उससे पहले अब 2 नवंबर से पहले अब सुप्रीम कोर्ट में कल, जी सुमित, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है सीबीआई जांच को लेकर। जो हमें जानकारी मिल रही है, हाथरस कांड में डॉक्टरों से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम, अलीगढ़ के JN अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ होगी। ये सूत्रों के हवाले से बहुत अहम जानकारी, पीड़िता का इलाज करने वाले हाथरस के डॉक्टर से भी होगी पूछताछ, हाथरस के आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। और ईडी की 4 सदस्यों की जो टीम है वो मथुरा जेल पहुंच गई है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अपने साथ लेकर गई है। PFI के 4 सदस्यों से हाथरस केस में फंडिंग के बारे में ये पूछताछ होगी।
तो चार सदस्य हैं पीएफआई के जिनकी गिरफ्तारी हुई थी इस केस में। अब उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है मथुरा, जहां पर ये जेल में बंद हैं, और अब उन चारों सदस्यों से फंडिंग को लेकर जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी कि जो फंड्स हैं कहां कहां से आ रहे थे, किन के खाते में गए, इस रकम का इस्तेमाल कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसको लेकर अब पूछताछ की जाएगी पीएफआई के चार सदस्यों से। हाथरस की दंगा फंडिंग का खुलासा होगा। जातीय साजिश के लिए पैसे कैसे जुटाए गए, इससे उठेगा पर्दा। कौन था हाथरस हंगामे का मास्टरमाइंड, अब ये होगा सामने। हाथरस के पीएफआई फंडिंग केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने यह पता लगाया जाएगा कि हाथरस केस के जरिए कैसे दंगों की साजिश के लिए फंडिंग की गई थी। ईडी को शक है कि हाथरस में दलित लड़की की हत्या के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। ईडी की टीम मथुरा पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि हाथरस केस की आड़ में पीएफआई और अन्य संगठन यूपी में जातीय हिंसा फैलाकर दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस ने पीएफआई के चार लोगों को भी गिरफ्तार किया था। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुछ चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। क्योंकि साजिश ऐसी ही दिखाई दे रही है कि हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी। बेटे को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, इसका सच अब सामने आने जा रहा है। साजिश में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सामने आने के बाद द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। यूपी पुलिस ने मथुरा से चार लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी के संबंध पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जा रहा है। पहला आरोपी अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, दूसरा सिद्दीकी ये केरल के मल्लापुरम का निवासी है, तीसरा आरोपी मसूद अहमद बहराइच और चौथा आरोपी आलम रामपुर का निवासी है। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले थे। चारों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किए गए थे। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनका अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएफआई ने हाथरस केस की आड़ में दंगा प्लान किया था। साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान को लेकर कई अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान पत्रकार बनकर हाथरस कांड पर दंगों की साजिश रच रहा था। अतीकुर रहमान ने ही दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभाली थी। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतीकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था का कोषाध्यक्ष भी है। अतीकुर रहमान का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया। अतीकुर रहमान करीब चार दिनों तक शाहीन बाग में भी रहा था। सवाल यह है कि पीएफआई के इस दंगा प्लान की साजिश के पीछे और कौन से चेहरे थे जिनका सामने आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हाथरस केस को हथियार बनाकर किस तरह उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी, इसको लेकर जी न्यूज ने पहले ही आपको आगाह किया था। जब ये पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई उस दिन सबसे पहले जी न्यूज ने आपको ये खबर दी थी। और अब जब सीबीआई की जांच अब हो रही है और वो किस तरह से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, भाइयों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, उसमें कदम दर कदम हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीड़िता के पिता इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकल जी, आपसे मैं जानना चाहेंगे कि 14 तारीख को पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या हुआ था, क्योंकि कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कई तरह के आरोप आप लोग के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, पूरे घटनाक्रम एक बार बताइए, 14 तारीख को क्या हुआ था। चौदह तारीख को क्या कहते हैं, हम लोग, मैं तो स्कूल में था, बेटा था, तो ये बेटी और क्या कहते बड़ा बेटा ये घास काटने के लिए गए, तो ये लोग प्लान बना के मेरी बेटी को क्या कहते पीछे से वो गले में वो खींच के बाजरा के खेत में ले गए, तो सतेंद्र हमारा क्या कहते वो घास की पोटली लेके घर आ गया। तो इन्होंने, ये बेटी ने जो बयान दिए हैं वो 4 आरोपी थे, तो लेकिन पहली बार जो बयान दिया उसमें सिर्फ एक आरोपी संदीप का नाम लिया था। हाँ, तो उसके बाद में उसको ने जो थोड़ी सी वो मतलब होश में आई लड़की, जब उसने बयान दिए कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा मतलब घटना हुई है। क्या 14 तारीख से 22 तारीख तक होश नहीं आया था, मतलब कैसी स्थिति में थी? हाँ, कैसी थी 14 से 22 तारीख तक? नहीं, स्थिति तो कहा कहते थोड़ी सुधार में हो गई थी, थोड़ा सा कहा कहते मतलब वो बात भी कर रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उन्होंने कहा कहते बताया जब मेडिकल जांच भई, और चूँकि ऐसा है कि गांव की बेटी अतका कुछ शर्माती है ना, तो हर चीज़ कहा कहते बता ना पाती, तो वो मेडिकल में कहा कहते वहाँ ये सब कहा कहते वही जब उसने बयान भी दिया। अच्छा, पहले आप लोग थाने लेकर गए थे, पहले अस्पताल? पहले हम लोग थाने लेकर गए। भाई यार क्या है, पहले कहाँ लेकर गए सर? पहले थाने लेके गए, उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए, बागला हॉस्पिटल। फिर बागला हॉस्पिटल से उन्होंने रेफर कर दिया अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ 14 तारीख को रेफर किया। हाँ, तो ज्यादा लाला बोलो ना। तो पूरी प्रमाणिकता के साथ हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं, और आप देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे जो संवाददाता हैं विशाल पांडे, वहां पर पीड़िता के पिता से बात कर रहे थे, उससे पहले भाइयों से भी उन्होंने बात की है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, आप पीड़िता के पिता से बात कर रहे थे, और पिता क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, इनके स्टेटमेंट्स अब रिकॉर्ड करेगी सीबीआई की टीम, और उनके बयान बहुत ही अहम हो जाते हैं। और जिस विरोधाभास की हम बात करते हैं कि जो बयान 14 सितंबर को दिया गया वो कैसे बदल गया 22 सितंबर तक, अब ये सारी जो बातें हैं वही जांच का विषय बनेंगी कि ये बदलाव आया तो क्यों आया, किसने अपने बयान बदले, गांव वालों से भी अब जानकारी जुटाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सीबीआई की टीम के सामने सच तक पहुंचने के लिए। देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि पीड़िता को न्याय अगर यहाँ पर दिलाना है, क्योंकि उसकी मौत हुई है, वो हमारे बीच में जिंदा नहीं है, उसके जो भी लोग हत्यारे हैं उन तक सीबीआई का पहुंचना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आप देखिए इस पूरे मामले में बिल्कुल शुरुआत से सीबीआई ने इस पूरे केस की जांच शुरू की है। सबसे पहले घटनास्थल पर सीबीआई जाती है, घटनास्थल के फॉरेंसिक टीम के साथ वहां मौजूद रहती है, पीड़िता के भाई को वहां पर बुलाती है, पीड़िता के मां को बुलाती है, और पूरे घटनास्थल पर उस दिन क्या हुआ था 14 सितंबर को एक एक जानकारी सीबीआई लेती है। अभी सीबीआई परिवार के और भी सदस्यों से पूछताछ करेगी, और इसके अलावा जो आरोपियों का परिवार है या जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ सीबीआई कर सकती है। वो तमाम डॉक्टर और पुलिसकर्मी जो 14 सितंबर को सबसे पहले पीड़िता को थाने से अस्पताल लेकर गए, या पीड़िता जब थाने पहुंची तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने क्या देखा, क्या रिपोर्ट कराई गई, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर सीबीआई अभी काम कर रही है। और इसके अलावा जो सबूत अभी तक इकट्ठा किए गए थे यूपी पुलिस की तरफ से, जो तमाम दस्तावेज थे, जो तमाम बयान थे, उनको पूरी तरह से सीबीआई ने अपने पास ले लिया है। और अब क्योंकि सीबीआई बिल्कुल शुरुआत से एक एक चीज की जांच कर रही है, एक फ्रेश केस के तौर पर उसको ये मिला है, तो वो एक एक चीज को इसमें देखेगी, अलग अलग लोगों के बयान लेगी, गांव के जो तमाम चश्मदीद हैं उनके भी बयान दर्ज करेगी। क्योंकि देखिए जी न्यूज पर तमाम ऐसे चश्मदीद आए थे जो अपनी बात रख रहे थे, इसके अलावा जो आरोपियों का परिवार है उनकी तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया, उन लोगों ने, जैसे अगर हम रामू की
की बात करें, रामू का परिवार कहता है कि वो डेयरी पर मौजूद था, चिलर में मौजूद था। लवकुश की माँ का एक बयान आता है कि मेरा बेटा मेरे साथ में था, वो पानी पिलाने गया था। तो ये जो तमाम ऐसी कड़ियां हैं इस पूरे मामले में, उन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है। आरोपियों की भी एक चिट्ठी जेल से बाहर आई थी जो उन्होंने एसपी हाथरस के नाम पर लिखी थी, वो सब जांच में सामने आएंगे। और सीबीआई के सामने चुनौती यही है कि इस मामले में जो तमाम पक्ष अलग अलग सामने आ रहे हैं, उन सभी लोगों का बयान दर्ज कराया जाए। पक्षों को हमने दर्शकों के सामने रखा, चाहे वो पीड़िता का जो पक्ष है वो भी हमने दर्शकों तक पहुंचाया, साथ ही जो आरोपी के परिवार वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, साथ ही जिस अस्पताल में पहले पीड़िता को ले जाया गया वहां के डॉक्टर क्या कह रहे हैं। ये जो सीबीआई की टीम है कल ही जांच का जिम्मा संभाला, केस डायरी पुलिस की ओर से दे दी गई और अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें सभी के बयान लिए जाएंगे, गांव वालों के बयान भी लिए जाएंगे और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। विशाल पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।